किसकी पूजा करते हैं सीजीआई चंद्रचूड़? एक तस्वीर के आगे हर दिन झुकाते हैं सिर। धर्म अध्यात्म में गहरी आस्था रखते हैं चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की धर्म और अध्यात्म में गहरी रुचि है। सीजीआई चंद्रचूड़ वैष्णो देवी से लेकर शिरडी साई बाबा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर और दक्षिण के त्रिचनूर टेंपल में पूजा अर्चना कर चुके हैं। क्या आप जानते हैं सीजीआई चंद्रचूड़ किस भगवान को मानते हैं, किसकी आराधना करते हैं? वो कौन है जिसकी तस्वीर के आगे हर दिन सिर झुकाए बिना घर से बाहर नहीं निकलते? इस रिपोर्ट में आपको सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किस भगवान को मानते हैं सीजीआई चंद्रचूड़? सीजीआई चंद्रचूड़ प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं। द वीक को दिए एक इंटरव्यू में सीजीआई कहते कि मेरा एक निश्चित समय पूजा पाठ के लिए निर्धारित है, बिना पूजा अर्चना के घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। सीजीआई चंद्रचूड़ क्या किसी खास भगवान को मानते हैं? इस सवाल के जवाब में वे कहते हैं कि बिल्कुल, मैं अपने कुल देवता को मानता हूँ। मेरे परिवार का एक पूजा रूम है जो बिल्कुल मराठी परिवारों जैसा है, जहाँ से मैं ताल्लुक रखता हूँ। जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि जब भी मैं प्रार्थना कर रहा होता हूँ तो एक शाश्वत सर्वोच्च सत्ता की अनुभूति होती है जो पूरे ब्रह्मांड और मानव जीवन को नियंत्रित कर रहा है। वह कहते हैं कि मेरी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं जो भी हैं, वह कभी किसी पर थोपता नहीं हूँ। किस तस्वीर के आगे सिर झुकाते हैं सीजीआई? सीजीआई चंद्रचूड़ बताते हैं कि मेरे परिवार में महिलाओं की बहुत अहम भूमिका रही है। हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत योगदान है। मैंने अपने पूजा रूम में अपनी परदादी की एक तस्वीर लगा रखी है। हर दिन सुबह उस तस्वीर के आगे सिर झुकाता हूँ। सीजीआई की धर्म अध्यात्म में है गहरी आस्था। सीजीआई कहते हैं कि धर्म अध्यात्म में एक वकील और एक जज की मेरी भूमिका में बहुत मदद की। आपके ऊपर काम का इतना दबाव होता है, इतने तरह के लोग मिलते हैं, ऐसे में इमोशनली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। मैं सुबह पूजा में जो वक्त देता हूँ वह पूरे दिन मुझे शांत चित रखने में बहुत मदद करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि शायद मेरा बैकग्राउंड इसका कारण है। मेरी पहली पत्नी का कैंसर के चलते निधन हो गया था। मेरी पत्नी जब अस्पताल में थी वो वक्त मेरे लिए बहुत कठिन था। दोनों बच्चों को पालना था, नौकरी की जिम्मेदारी थी। उस मुश्किल वक्त में धर्म और अध्यात्म ही मेरा सहारा बना।